इसका वेट किस हिसाब से होता है? नहीं ये तो ब्लॉक है ना सर, पूरा ठीक है। फाउंडेशन प्रोफेसर जगबीर सिंह सूदन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा बताएं। किसी कारण से जो है लिम्स वगैरह हो गए हैं, चाहे वो अपर लिम है चाहे लोअर लिम है, चाहे किसी को कोई आई की दिक्कत है या कोई हियरिंग प्रॉब्लम है, तो इसी के साथ साथ आज हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी रखा है जिसमें 3 व्हीलचेयर रखी है हमने, जो वो लोग जो किसी अभी कारण से या इस बीमारी से पीरियड दें चलने फिरने पर मजबूर हैं, तो एक वो है। एक इस बार की बदबख्ती है कि इस साल हमारे पास तो 5 बच्चे ऐसे जिन्होंने अपने लिम्स खोए हैं। पिछली बारिशों में जो माइंस वगैरह ऊपर से नीचे आती हैं बह के, तो वो जो स्टे उसकी वजह से उनकी ये टांग वगैरह खो गई। बच्चों का हम बंदोबस्त कर रहे हैं इनको दिल्ली ले जाने के लिए भवन में, जहां नवंबर 2022 में हमने एक कैंप किया था वहां पे इनको स्पेशल ट्रीटमेंट और स्पेशल लिम्ब लगवाएंगे। आज प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन की तरफ से एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें इनको हम माजूर तो नहीं कह सकते, इनको एक गॉड गिफ्ट की तरफ से एक स्पेशली एबल नाम दिया गया है, उनको कुछ अज़ा डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि यहाँ जो भी लोग आए हैं इनके साथ भरपूर तामन होगा, जो भी ये फाउंडेशन काम करेगी आपके वेलफेयर के लिए करेगी। इसके बाद चलाई जाए, इससे पहले भी मैं यहाँ ट्रैफिक जज रहा हूँ 2016 से लेकर 18 तक, तो उस वक्त लगभग 15 से 20 केसेस हमने ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग में जो लोग इंजर्ड हुए थे उनके रेफ़र किए थे, जो विक्टिम कंपनसेशन उनको मिली भी अच्छी खासी कंपनसेशन मिली। और कहने का मकसद ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसिडेंट हो जाते हैं, बट ड्यू टू इग्नोरेंस या नेग्लिजेंस कह लीजिए आप, लोगों को पता नहीं होता कि भाई इस तरह की कोई स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या नालसा की या सालसा की, जहाँ पर ऐसी अथॉरिटीज़ जो हैं वो बैठी हुई हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। तो मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो अपने एरिया में आप, शायद मेरी ज़िंदगी में पहला एक ऐसा मौका है जहां मैं आपसे मुखातब हो रहा हूं और कुछ कदर इमोशनल भी हो रहा हूं ये सारी चीज़ें देखकर, क्योंकि ऐसा मैंने कभी ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा है। पढ़ा ज़रूर है, डिसेबिलिटी की बात हम करते हैं हर रोज़ कानून में, अफसा कोसर तैयार रहें। रमनीत कौर इसके बाद माजिद अर देखो बेटे देखो तो रुको बच्चे आप रुको फाइल सर ये जो लास्ट में देखना ना देखो सर पढ़ता है सर किसमें अच्छा तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का था जिसमें स्कॉलरशिप और मोबिलिटी आइटम्स का, ये हमारा ये ईयरली एक प्रोग्राम होता है जो पिछले कुछ दिन पहले जो बारिश की वजह से हम नहीं कर पाए, तो आज हमने इसको ये कोशिश की कि पूरा करें।
और इसमें हमें बड़ी कामयाबी मिली। 16 बच्चे जिनको स्कॉलरशिप हमने दिया वो सारे आए, जहाँ से साबजियाँ मेंडर और पुलिस के सारे मुख्तलिफ इलाकों से। उसके अलावा 3 व्हील चेयरें दी हमने, 1 क्रच का पेयर दिया, 2 हीरिंग एड दी। और इसके अलावा हमने जो आगे की एक रजिस्ट्रेशन की है, जिसमें जो नए पेशेंट हैं तकरीबन 5 जो रिसेंटली जिनकी टांगे वगैरह कट गई है, उनको भी हमने रजिस्टर किया है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में उनको दिल्ली जो राजेंद्र नगर में एक लिम्ब सेंटर है वहाँ भेजेंगे उनकी टांगे लगवाने के लिए। क्योंकि इसमें जो टिपिकल केसेस हैं वो 2 हैं, 3 लो लिम्ब्स के हैं, तो ये ज़रूरी बनता है। क्योंकि हमारा कैंप शायद आगे अक्टूबर तक हो तो ये 3-4 महीने के लिए मुश्किल का होगा। तो ये हमारी एक अप्रोच है। इसमें आज हमारे रिक्वेस्ट पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो हमारे शर्मा जी हैं, हमारे जो अभिजात काजमी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जो डेल्टा के हेड हैं वो आए थे, हमारे चीफ एग्जीक्यूशन ऑफिसर साहब आए थे, हमारे किल जी आए थे, और बाकी के जितने भी हमारे साथी थे जो पुराने, अपने गुलशन जी का बेटा जो भानु प्रताप सिंह वो भी आया था हमारे रिदम ने यहाँ आके काफ़ी मेहनत की, प्रियंका जी ने मेहनत की। और प्रियंका का जो ईसी सेंटर है उसका पूरा स्टाफ आया था, कुल मिला के ये बड़ा अच्छा कामयाब रहा, जिसमें हमें भी एक खुशी हुई कि लोगों ने अपनी जो राहत दी और अपना सामान लिया। और ये हमें मीडिया हजरात का खास करके रिक्वेस्ट का शुक्रगुजार हूँ कि वो इसको एक कवरेज दे रहे हैं जैसे पहले भी देते थे। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ।